नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कई बार कुछ गलतियों की वजह से वास्तु दोष लग जाता है। यही कारण है कि आजकल लोग घर या दफ्तर बनाने से पहले वास्तु की पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि वास्तु दोष के कारण घर की खुशियों में भी रुकावटें आने लगती है। ऐसी मान्यता है कि गलत वास्तु से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। वास्तु के जानकारों के अनुसार घर के प्रत्येक हिस्से का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसे में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके जरिए घर, दुकान या ऑफिस की ऊर्जा में परिवर्तन लाया जा सकता है। वहीं कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है जिससे कि वास्तु दोष ना लगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही उपायों और सावधानियों के बारे में जो घर और दफ्तर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने में मददगार साबित होते हैं। नलों से पानी नहीं टपकते रहना चाहिए। किसी भी घर या दफ्तर में नल से पानी टपकने को अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नल से अगर लगातार पानी गिरता है तो इसकी मरम्मत करा लें या फिर इसे हटा लें। ऐसा नहीं करने पर लोगों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ सकता है। उत्तर दिशा को गंदगी से दूर रखें। उत्तर दिशा को इतना खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये दिशा कुबेर देवता की दिशा मानी गई है। बता दें कि भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है। जिस जगह पर गंदगी का वास होता है वहां भगवान कुबेर निवास नहीं करते हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र में यह सलाह दी जाती है कि इस दिशा को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा नहीं हो ऊंचा। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को मातृ स्थान का दर्जा दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी ऊंचे स्थान पर नहीं बनाना चाहिए। जानकारों की माने तो इस दिशा की ऊंचाई पर रखने से घरों में वास्तु दोष लग जाता है। इस दोष के प्रभाव से लोगों के घरों में धन की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में घर के लोग आर्थिक तंगी से गुजरने लगते हैं। इसलिए वास्तु के नियम को मानते हुए घर के उत्तर दिशा को ऊंचा नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में रहना चाहिए पानी का बहाव। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होता है वहां दरिद्रता अपने आप आ जाती है। ऐसे में धन के अभाव को कम करने के लिए सुनिश्चित करें कि पानी का बहाव सदैव उत्तर दिशा में रहे। चूल्हे पर न रखें खाली बर्तन। किचन में बिना किसी कारण गैस पर या चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ाने को भी अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो लोग ऐसा करते हैं उनके घरों में पैसों की दिक्कत बनी रहती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो वास्तु शास्त्र में जो घर के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बताए गए हैं। हालांकि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो में बताए गए उपायों पर अमल करने से पहले एक बार किसी अच्छे वास्तु शास्त्र के जानकार से बात कर जरूर उनसे सलाह ले लें। हमने यह जानकारी इंटरनेट से लिया है और यह कितना कारगर है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा यह दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भविष्य में अपना घर या दफ्तर बनाने का इरादा रखते हैं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। इस संबंध में आपके पास भी कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।